हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ज्ञानेंद्र कुमार, करेंटली वर्किंग इन ए रेलवे PSU। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज इवेपोट्रांसपिरेशन। उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लेनी क्रीडल फार्मूला। आइए हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहले ये हमारा न्यूमेरिकल है, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सबसे पहला पॉइंट है इवेपोट्रांसपिरेशन। बट इवेपोट्रांसपिरेशन पढ़ने से पहले हमें जानना होगा ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज़ द सॉइल मॉइस्चर टेकन अप फ्रॉम द रूट ऑफ प्लांट एंड डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब ये हुआ कि बारिश हुई और बारिश के कारण सॉइल मॉइस्चर में कुछ वृद्धि हुई, और उस सॉइल में जो मॉइस्चर आया उसको पेड़ पौधे अपना फूड बनाने के लिए उस वाटर को यूटिलाइज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में ही वाटर पेड़ पौधे के जो लीफ में स्टोमाटा होता है उसके द्वारा इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह पूरे प्रक्रिया को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब आते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लैंड टू द एटमॉस्फेयर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल एंड अदर सरफेसेस एंड बाय ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट्स से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसका वो वैल्यू और इवेपोरेशन जो होता है लैंड पे जो वाटर कलेक्टेड है, कहीं डिप्रेशन में कलेक्टेड है, कहीं रन ऑफ हो रहा है, तो उससे जो वाटर इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में जाता है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन वाटर बॉडी से भी हो सकता है और लैंड पे जो वाटर पड़ा हुआ है उसका भी इवेपोरेशन हो सकता है, तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म को इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। एक्चुअली में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इसलिए हम इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को सेपरेटली स्टडी नहीं करते हैं, दोनों को कंबाइंड करके एक इवेपोट्रांसपिरेशन नाम का वर्ड बना दिए हैं कंबाइंड स्टडी करने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ सफिशेंट मॉइस्चर इन द सॉइल इज ऑलवेज अवेलेबल टू मीट कम्प्लीटली द रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेशन द इवेपोट्रांसपिरेशन विल अकर एट इट्स मैक्सिमम रेट कॉल्ड पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। कहने मतलब ये हुआ कि अगर मिट्टी में इतना वाटर ऑलरेडी है कि वेजिटेशन के रिक्वायरमेंट को कम्प्लीटली फुलफिल कर रहा है, तो इस केस में जब इवेपोट्रांसपिरेशन का रेट होगा वो अपना पीक पे होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब मैक्सिमम इवेपोट्रांसपिरेशन का रेट होगा तो उसको पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द सॉइल मॉइस्चर इज एट इट्स फील्ड कैपेसिटी द इवेपोट्रांसपिरेशन विल अकर एट द रेट ऑफ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। अब सबको पता है कि जब सॉइल में मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी के बराबर होगा तो जो इवेपोट्रांसपिरेशन का रेट होगा वो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कहलाएगा, क्योंकि फील्ड कैपेसिटी के बराबर अगर सॉइल में मॉइस्चर है तो फिर वो प्लांट के ग्रोथ के लिए हमेशा कैपेबल है मॉइस्चर देने के लिए। तो वेजिटेशन ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है वाटर का वो कम्प्लीटली फुलफिल कर रहा है, इसीलिए उस समय जो इवेपोरेशन होगा वो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन होगा। अब मॉइस्चर कंटेंट अगर फील्ड कैपेसिटी से कम है तब जो इवेपोट्रांसपिरेशन जो होगा वो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन होगा। उस केस में एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन जो होगा पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से कम होगा, क्योंकि फील्ड कैपेसिटी से मॉइस्चर कंटेंट कम है। अब एक टर्म आती है एरिडिटी इंडेक्स। एरिडिटी इंडेक्स इक्वल टू 1 - AT/PT इन द ब्रैकेट। इसको जस्ट आप याद रखिए, ये एग्ज़ाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया करते हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं, मान लीजिए आपका ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ जो वाटर होंगे वो काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड वाटर होगा, और इसके चारों तरफ जो वाटर होगा वो वीकली बॉन्डेड वाटर होगा, और इसके भी चारों तरफ जो वाटर होंगे वो
ग्रेविटेशनल वाटर होगा जो कि जल्द ही ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये सॉइल पार्टिकल्स है आपका और ये ग्रेविटेशनल वाटर है जो कि ड्रेन आउट हो चुका है। अब ये जो वाटर है स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड, जिसको कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, और इस इतने मॉइस्चर कंटेंट को, इस लेवल तक के मॉइस्चर कंटेंट को परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, PWP। मतलब अगर इससे मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। अब ये वाला वाटर जो है था वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड था, और यहाँ से यहाँ तक जो वाटर है, यहाँ से यहाँ तक, वो वीकली बॉन्डेड है। इसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक को फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, FC। और ये इतना मॉइस्चर कंटेंट चाहिए फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये वाटर तो ऑलरेडी ड्रेन आउट हो ही गया है। उसी चीज़ को इस फिगर से भी समझा जा सकता है। अब यहाँ क्या था कि ग्रेविटेशनल वाटर था जो कि ड्रेन आउट हो गया, जैसे ही वाटर आया ग्रेविटेशनल वाटर, इससे ड्रेन आउट हो गया। अब ड्रेन आउट होने के बाद जो वाटर बचा, तो इस लेवल पे वाटर बचा, तो इस लेवल तक के वाटर को फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। अब उसके फील्ड कैपेसिटी के में कौन कौन सा वाटर इंक्लूडेड है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, कैपिलरी वाटर है। ये वाटर जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अवेलेबल वाटर प्लांट्स रूट्स कैन एब्जॉर्ब दिस। तो ये कैपिलरी पोर्स जो होते हैं, माइक्रो पोर्स होते हैं, उसमें कैपिलरी वाटर हेल्ड अप होते हैं। अब इससे इस पॉइंट, मतलब फील्ड कैपेसिटी से लेकर यहाँ तक, ये तो वाटर यूज हो रहा है। अब ये जो पॉइंट है उसको बिल्डिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब इससे अगर वाटर कंटेंट इससे कम हुआ तो पेड़ पौधे जो हैं सूख जाएंगे। तो इस ये जो लाइन है उसको बिल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इस वाटर को पेड़ पौधे अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांगली हेल्ड अप होता है। सॉइल के पार्टिकल्स के चारों तरफ काफ़ी स्ट्रांगली हेल्ड अप होता है, इसलिए इसको हम जो प्लांट है वो यूज नहीं कर सकते हैं। प्लांट कैपिलरी वाटर ही यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट उसके फील्ड कैपेसिटी से कम है तो जो इवोपोट्रांसपिरेशन होगा उसको एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन बोलेंगे, वो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन के बराबर नहीं होगा। बट ऐसा हमेशा सही नहीं है। अगर सॉइल क्लेई सॉइल है, उस केस में क्या होता है कि अगर फील्ड कैपेसिटी से कम भी अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो भी इवोपोट्रांसपिरेशन जो होगा वो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन के रेट से होगा। कितना कितना कम होने पे पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन के रेट से होगा? मान लीजिए परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट ये है, फील्ड कैपेसिटी ये है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा मॉइस्चर कंटेंट का, उसका 50% एटलीस्ट, वहाँ तक जो क्लेई सॉइल है उसमें जो इवोपोट्रांसपिरेशन होगा वो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन के बराबर रेट से होगा। लेकिन सैंडी सॉइल में ऐसा नहीं होगा। सैंडी सॉइल में आप जैसे देख सकते हैं कि फील्ड कैपेसिटी से जैसे ही कम हुआ सैंडी सॉइल के लिए, पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन से कम रेट से इवोपोट्रांसपिरेट होने लगा। मतलब एक्चुअल इवोपोट्रांसपिरेशन जो है लेस देन पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन फॉर सैंडी सॉइल, फील्ड कैपेसिटी से जैसे ही कम हुआ। तो इसका कर्व लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर होता है, लेकिन ये डिक्रीज करता हुआ परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट को मिलता है। अब यह है ब्लेनिक क्रीडल फार्मूला। इट इज एन एम्पिरिकल फार्मूला है, इट इज एन प्योरली एम्पिरिकल मेथड टू फाइंड पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन बेस्ड ऑन एरिड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट का कुछ डाटा को कलेक्ट करके इन्होंने एक एम्पिरिकल फार्मूला बनाया टू कैलकुलेट पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन। इट इज एप्लीकेबल फॉर वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। अब इसका फार्मूला क्या होता है? ER जो होता है, ER इक्वल टू पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन होता है सेंटीमीटर में, दैट इज इक्वल टू 2.54 K इंटू समेशन ऑफ pH इंटू TF डिवाइडेड बाई 100। अब के क्या होता है? एम्पिरिकल कॉन्स्टेंट होता है, डिपेंड करता है क्रॉप पे, टाइप ऑफ क्रॉप, लोकेशन एंड मंथ पे। टाइप ऑफ क्रॉप मतलब आपका रवि फसल है या खरीफ फसल है। रवि में भी वीट का है, चना का है, खरीफ में आपका धान है या क्या है। फिर लोकेशन, आपका कौन सा लोकेशन पे आप
पोटेंशियल ट्रांसपरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मंथ कौन सा है, अगर उस जिस मंथ किसी मंथ में गर्मी ज़्यादा है, किसी मंथ में ठंडा ज़्यादा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है ये। पीएच क्या होता है, इट इज़ द मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे टाइम आवर्स, इट डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड ऑफ प्लेस। मतलब क्या हुआ इसका कि मान लीजिए कि एक साल में 365 दिन होता है, तो टोटल डे टाइम आवर्स लाइट आवर्स अगर हम देखेंगे तो 365 × 12 दिन रहता है 12 घंटा मान लीजिए, तो 365 × 12। अब मान लीजिए कि हम जनवरी मंथ का बात करते हैं, जनवरी मंथ में 31 डे होता है, तो 31 डे होता है, और मान लीजिए कि 12 घंटा पूरा उजाला रहा, लाइट आवर्स रहा, तो 31 × 12 डिवाइडेड बाई 365 × 12 × 100 करेंगे तो आएगा वो पी एच, मीन मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे टाइम, इसका मतलब हुआ। अब किसी मंथ में मान लीजिए कि जनवरी मंथ में ही दिन में 10 घंटा ही उजाला रहता है, तो 10 × 31 डिवाइडेड 365 × 12 × 100 करना पड़ेगा पी एच निकालने के लिए। टी एफ क्या होता है, इट इज़ द मीन मंथली टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट। यह याद रखने वाली बात है कि यह फारेनहाइट में है, सेल्सियस में नहीं है। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 1.8T + 32 करेंगे। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या है, एस्टिमेट द पीईटी ऑफ एन एरिया फॉर सीजन नवंबर टू फरवरी इन विच व्हीट इज ग्रोन। मतलब कहने का मतलब ये है कि व्हीट ग्रो कर रहा है, उस व्हीट को पूरे सीजन में ग्रो करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल इवपोट्रांसपिरेशन, वो निकालना है। द एरिया इज इन नॉर्दर्न इंडिया एट लेटीट्यूड ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ विद मीन मंथली टेम्परेचर एंड मंथली परसेंट ऑफ एनुअल डे लाइट आवर इज गिवन। ये सब दिया हुआ, मीन मंथली टेम्परेचर नवंबर में 16.5 डिग्री सेल्सियस है, दिसंबर 13 डिग्री सेल्सियस है, जनवरी में 11 डिग्री सेल्सियस है, फरवरी में 14.5 डिग्री सेल्सियस है। मंथली परसेंटेज एनुअल डे लाइट आवर नवंबर 7.19, दिसंबर 7.15, जनवरी 7.3 एंड फरवरी 7.03। के का वैल्यू दिया हुआ है 0.65। अब कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, पोटेंशियल इवपोट्रांसपिरेशन निकालना है, ईआर का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला होता है 2.54 K समेशन ऑफ पी एच टी एफ डिवाइड बाई 100 इन सेंटीमीटर। अब मीन मंथली टेम्परेचर निकालना है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, फारेनहाइट में निकालने के लिए 1.8 × 16.5 + 32 कर दिए, तो 61.7 डिग्री आ गया नवंबर मंथ के लिए, दिसंबर के लिए 55.4 डिग्री फारेनहाइट, जनवरी के लिए 51.8 डिग्री फारेनहाइट एंड फरवरी के लिए 58.1 डिग्री फारेनहाइट। अब पोटेंशियल इवपोट्रांसपिरेशन निकालना है, तो सिंपल सा 2.54 × 0.65 × 61.70 × 7.19। 7.19 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, नवंबर के लिए हम निकाल रहे हैं, दिसंबर के लिए निकालेंगे तो 7.15 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रखेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से तो 26.850 सेंटीमीटर में आएगा ये वैल्यू। ये क्या डिनोट करता है, दिस मच ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर व्हीट थ्रू आउट इट्स ग्रोथ पीरियड। पूरे व्हीट को ग्रोथ करने के लिए उसके सीजन में इतना, दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, इससे ये पता चलता है। अच्छा, हमने फील्ड कैपेसिटी की बात की थी, आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, विच सॉइल हैज हाईएस्ट फील्ड कैपेसिटी, किस सॉइल का फील्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैंड, ऑप्शन बी सिल्ट, ऑप्शन सी क्ले, ऑप्शन डी लोम। आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिजोल्व योर क्वेरी एंड डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। थैंक यू।